नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जब भी हम घर में कोई पक्षी पालते हैं, हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपने पक्षी को खाने के अंदर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर घर की हर चीज़ को पक्षी को खाने के लिए प्रेफर करते हैं। पक्षी उसे खा तो लेता है, लेकिन उसको खाने से पक्षी बीमार हो जाता है। उसमें कई बार क्या होता है, आप देखेंगे बर्ड्स के फैदर गिरने शुरू हो जाते हैं, बर्ड्स में स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, या कई बार बर्ड्स में जो है, आप यदि बर्ड्स का ब्लड चेकअप कराते हैं तो उसमें बर्ड्स की जो पिक्चर होती है नेचुरल CBC वगैरह में देखेंगे, उसमें KFT की वैल्यू बढ़ जाएगी, लीवर फंक्शन टेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। उसका जो रीजंस होता है मेन, आप अपने बर्ड्स की डाइट में वो चीज़ें देते हो जो कि उसकी खुराक का हिस्सा नहीं है। इस वीडियो में मैं एक एक करके वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको अपने बर्ड्स को खाने के अंदर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सबसे जो मेन होता है मिल्क, बर्ड्स को कभी भी मिल्क खाने के अंदर नहीं देना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग घर में जब छोटा बच्चा लेकर के आते हैं, पैराकीट्स का हो या किसी भी पैराकीट्स की वैरायटी या कोई भी बर्ड्स का छोटा बेबी हो, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको मिल्क के अंदर आटा मिला करके दे देंगे या मिल्क के अंदर बिस्किट घोल करके उसको खिला देंगे। ये जो है बिल्कुल गलत है। बर्ड्स खा तो लेगा, लेकिन आप देखेंगे वो जो भी आप उसको दे रहे हो, मिल्क जो है बर्ड्स में एज ए पॉइजन का काम करता है। आपको पता है कि बर्ड्स के अंदर जो है लैक्टोज इंटोलरेंस होते हैं, यानी बर्ड्स जो है जो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी बॉडी में जा करके एज ए पॉइजन का काम करता है। इसलिए कभी भी मिल्क हो चाहे मिल्क प्रोडक्ट हो, बर्ड्स को कभी भी नहीं देना चाहिए। बहुत से लोग मैंने देखा अक्सर पनीर बहुत खुश होकर के देते हैं बर्ड पैराकिट्स को, लेकिन ये अवॉइड कीजिए। ये बर्ड्स खाने को तो खा लेते हैं, लेकिन ये बर्ड्स को सूट नहीं करता। उसका जो साइड इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़े टाइम पर आप उसको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए यदि आपको पहले से ही पता है, प्रिकॉशनरी तौर पर आप ये बिल्कुल भी ना दीजिए। जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो लाड प्यार में अपने बर्ड्स को जो है चॉकलेट या टॉफ़ी खिला देते हैं। चॉकलेट के अंदर आपको पता है कैफीन वगैरह होता है, और ये बिल्कुल पॉइजनस आप कह सकते हो बर्ड्स के लिए। बर्ड्स इसको खाने से इमीडिएटली कई बार वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है, या वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम जो है चॉकलेट खाने से होती है। इसलिए बर्ड्स को कभी भी चॉकलेट ना दें। यदि आप तली हुई चीज़ें आप अपने बर्ड्स को देते हैं, तली हुई चीज़ें में फैट होता है, जैसे कोई भी आप घी से बनी हुई चीज़ अपने बर्ड्स को देते हैं, वो सब जो है बर्ड्स को नुकसान करती हैं। उसमें क्या होता है, फैट देने से क्या है, बर्ड्स के फैदर्स पंख एक एक करके गिरना शुरू होते हैं। बर्ड्स की बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग करने से वो बर्ड्स इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि अपने शरीर पे नुकसान पहुँचा लेते हैं, अपने पंजे से इतनी ज़ोर से खारिज करता है कि वहाँ पे जख्म के निशान बन जाते हैं। इसलिए यदि आप फैट को अवॉइड कर सकते हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। मिल्क हो गया, चॉकलेट हो गया, फैट वाली चीज़ें होगी। एक बर्ड्स को जो है डाइट में हम बहुत से अक्सर लोग जो करते हैं, केवल 100% सीड्स ही सीड्स देते हैं। मतलब उसको डाइट में पानी दे दिया और सीड्स दे दिया, अब इसके अलावा कुछ नहीं देते। आपको क्या पता है कि जो बर्ड्स को 100% सीड्स पे डाइट में ऐसे रखते हैं, उनका जो है फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता है सीड्स के अंदर फैट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। और उनको रेगुलर आप सीड्स देंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट है वो जा करके बर्ड्स की बॉडी पे डिपॉजिट होना चाहिए होता है, और आपके बर्ड्स का जो लीवर है काफ़ी फैटी हो जाता है। फैटी लीवर होने की वजह से आपके बर्ड्स में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और उसमें जो है बर्ड्स की कई बार डेथ भी हो जाती है। इसलिए सीड्स यदि आप दे रहे हो, लिमिट में दीजिए, ओवर फीड बिल्कुल भी ना करें, 30% से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। बर्ड्स को जब भी हम कोई फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हुए विशेषकर सेब में आपको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग सेब को ऐसा साबुत बर्ड्स को दे देते हैं, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एप्पल में आयरन कंटेंट होता है। आयरन कंटेंट एक तो बर्ड एप्पल का छिलका उतार कर दीजिए उस ले, और दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है, एप्पल के सीड्स गलती भी से भी बर्ड्स को ना दीजिए। यानी आप उसको काट करके ऐसा अगर सीड के साथ उसको रख देते हैं और आपका बर्ड्स उन एप्पल के सीड्स को खा लेता है, वो जो है साइनाइड पॉइजनिंग होती है बर्ड्स के अंदर। इसलिए यदि आपने एप्पल देना हो, छिलका उतारिए और उसके सीड्स को रिमूव करके आप एप्पल को दीजिए, तो बर्ड्स के लिए सेफ है। उसके जो सीड्स जो हैं बर्ड्स के लिए हमेशा नुकसानदायक। बर्ड्स को कभी भी जो है एक ऑयल या शैम्पू का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है ये इनका प्रयोग करने से बर्ड्स की जो बॉडी में ऑटोमेटिक जो है एक केमिकल रिलीज होता है, और जब आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो जो बॉडी के अंदर जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। इससे बर्ड्स जो नेचुरल प्रीनिंग करता है, अपनी बॉडी की जो क्लीनिंग करता है,
तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी से एक ऑयल निकलता है जो कि बर्ड्स के फैदर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयल या शैम्पू का प्रयोग करने से ऑटोमेटिक वो जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और बर्ड्स जो है आप ही मन के चले जो नेचुरल कंडीशंस में उसकी बॉडी में जो ऑयल निकलता है जो कि उसकी स्किन के फैदर्स के अच्छा होता है जो वो बंद हो जाता है, तो पोर्स बंद होने से बर्ड्स जो है बड़ा रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है और उसकी जो फैदर्स की शाइनिंग है डे बाई डे कम होनी शुरू होती है। इसलिए इन चीज़ों को आप नहलाते वक्त या उसका स्प्रे करते वक्त हमेशा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि बर्ड्स को खाने में क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।